मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स जितने भी योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई यूजर्स हैं प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं जो शायद अभी आपको फेस करना पड़ रहा होगा या फिर इन फ्यूचर आपको फेस करना पड़ सकता है, और इस प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं पर भी पैसे सेंड नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं इस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी मैं जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको जानकारी देने वाला हूं, ये प्रॉब्लम मुझे योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में फेस करना पड़ा है। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। सो अगर आपको योनो एसबीआई में या फिर योनो लाइट एसबीआई में दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो भी इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी मैं स्टेप फॉलो करने के लिए बताऊंगा इन सारे स्टेप को जरूर फॉलो करना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं इसमें योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, तो लॉगिन होने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जिस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग बताने वाला हूँ वो है QR कोड से रिलेटेड। जी हाँ, मान लो अगर आपको किसी बंदे ने बोला है या बंदी ने बोली है कि मुझे QR कोड के थ्रू पैसे पे कर दीजिए, ठीक है, और उन्होंने अपना QR कोड आपको शेयर कर दिया, ओके, या फिर उन्होंने अपना फ़ोन दिया QR कोड निकाल करके और बोला स्कैन करके पैसे सेंड कर दीजिए, तो आप योनो लाइट SBI एप्लीकेशन के थ्रू QR कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कर पाएंगे। ओके, कैसे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशन का, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंड मनी यूजिंग QR कोड, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखेंगे, पिक फ्रॉम गैलरी और स्कैन नाउ का। अगर आपके पास उनका मोबाइल फ़ोन है तो आप यहाँ पर लाइव स्कैन कर लीजिए, और अगर उन्होंने आपके साथ अपना QR कोड स्कैन यानी कि शेयर किया है तो आप पिक फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोज का ऑप्शन दिखेगा तो आप फोटोज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से गैलरी से आप QR कोड को चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अदर, और ये रहा WhatsApp इमेज, ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक QR कोड है, ये रहा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दिस इज एन इनवैलिड QR कोड, मतलब कि QR कोड को ही इनवैलिड बताया जा रहा है, ठीक है, स्कैन नहीं हो रहा। किसके नाम से ये QR कोड है, किस अकाउंट का है, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आपको ये बताया जाता है कि दिस इज एन इनवैलिड QR कोड। आप जितनी भी बार ट्राई करें आपको सेम यही प्रॉब्लम दिखेगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, पिक फ्रॉम गैलरी फोटोज, ठीक है, अदर, और यहाँ पर मैं WhatsApp इमेज में चला जाता हूँ, और कोई भी आप QR कोड ले लीजिए, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी देखिए सेम प्रॉब्लम, दिस इज एन इनवैलिड QR कोड, जबकि ये प्रॉब्लम योनो SBI एप्लीकेशन में नहीं आ रही है। मैं आपको वो भी लाइव दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा योनो SBI एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लॉगिन किया और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा योनो पे, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा QR स्कैन का, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा भीम UPI का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्कैन QR का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन नीचे में आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए आपके सामने मैं वही सेम QR कोड सेलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने इस QR कोड को सेलेक्ट किया था, इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पर देखिए उस QR कोड का पूरा डिटेल यहां पर दिखा दिया जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, जबकि वहां पर यही सेम QR कोड इनवैलिड योनो लाइट SBI एप्लीकेशन में बताया जाता है। ऐसा क्यों? तो दोस्त इसके रिगार्डिंग मैंने बात किया योनो लाइट SBI के टीम मेंबर से, ठीक है, यानी कि SBI के टीम मेंबर से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। देखिए यहां पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस एप्लीकेशन को योनो लाइट SBI एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, इस एप्लीकेशन को, उसके बाद दोबारा से रीइंस्टॉल कीजिए और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट कीजिए अपना अकाउंट, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि आप अपने डिवाइस को दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए, तो उस सिचुएशन में भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ें फॉलो कर ली, यानी कि दोनों स्टेप को मैंने फॉलो किया, उसके बावजूद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया, ठीक है, इनवैलिड ही बताया जा रहा था। लेकिन
अब यहाँ पर एक सवाल, यानी कि एक और स्टेप फॉलो करना है जो कि मेरा ओपिनियन है। आपको क्या करना है, आप फिर से दोबारा से अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो SBI के टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बताइए और उनको बोलिए कि इस कंसर्न को आप हाईलाइट करके अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास सेंड कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो आपका कॉन्सर्न सुनेंगे और हाईलाइट करके वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट की ओर, तो होगा क्या, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके। लेकिन सबसे पहले आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना है, दोबारा से अकाउंट एक्टिवेट करना है, फ़ोन को अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, उसके बाद दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का क्यूआर कोड यहाँ पर इनवैलिड बताया जाता है तो भाई आप क्या करना, डायरेक्ट SBI की टीम मेंबर से कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम बताना, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।